गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा। सो आज अभी देखिए शाम का बज रहा है 6:15 एंड अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है वेंसडे एंड कल बाद परसों होली है, तो वेंसडे डेट कौन सा है ना मैं भूल गई हूँ, यानी मैं बता भी नहीं पाऊँगी आज। आई गेस 12-13 मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दिस। सो बेसिकली कल होलिका दहन है, तो हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि जो पहला होलिका दहन होता है ना, जिसको बंगाली में नेड़ा नेड़ा पोड़ा बोलते हैं शायद। सो वो मेरे मम्मी के घर का नियम है, मम्मी पापा के घर का, कि वो वाला जो पहला जो होलिका दहन है वो ससुराल में नहीं देखते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी सास भी अभी नहीं है यहाँ पे, सो ड्यू टू दैट मैं अभी रात को जाऊंगी, लाइक 7:30 और 8 o'clock में निकलूंगी। एंड फिर मैं नेक्स्ट लाइक जिस दिन होली रहेगा ना उसी दिन शायद मैं रिटर्न, शायद नहीं मैं कंफर्म आ जाऊंगी, क्योंकि फिर घर पे कोई है नहीं, ओनली मम्मा एंड सॉरी ओनली पापा हैं एंड मेरे हस्बैंड हैं। सो उनको भी फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। दो माई ससुर जी एंड माई फादर इन लॉ इज़ लाइक सुपर एक्टिव एंड वो सारा घर का सारा काम करते हैं। सो वो कुकिंग करने से लेके डस्टिंग से लेके ईच एंड एवरी थिंग, सो उनको रहते हुए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल द थिंग इज कि खुद को एक ऐसा लग रहा है कि फिर पापा को सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ेगा, इवन दो माई हस्बैंड। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा जल्दी चल, मैं जरा जल्दी चलूँ, मन तो है कि जाके रहूँ बट वॉट टू डू। चलिए कोई नहीं, मम्मी आएगी तो फिर जाऊँगी। तो आज मैं सेकेंड हाफ में, फर्स्ट मैं सुबह गई थी, गर्मी कितना बढ़ गया है ना, मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, मैं सोच रही थी कुछ काम कर लूँ और इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई। देखिए पीछे पैक किया हुआ बैग दिख रहा होगा एंड अभी मैं आयरन वगैरह कर रही हूँ कि सारा सामान कुछ आगे जाऊँ, सो दैट उनको जितना भी हो सके मैं करके जाने का कोशिश कर रही हूँ। सो उसी चक्कर में अभी मम्मी के पास जाना है। जनरली मैं गोल्ड वेयर नहीं करती हूँ, मुझे गोल्ड पहनना उतना पसंद नहीं है बट पहनना पड़ता है कभी कभी। सो यहाँ मैंने यहाँ नाक का पहन लिया है, चेंज कर लिया, जो मैं पहनती हूँ उसको मैंने चेंज कर लिया है, इवन द इयररिंग्स भी मैंने चेंज कर लिया है। एंड ये वाला रिंग तो मेरे पास हमेशा रहता है, तो एक दो रिंग और मैं पहन लूँगी, दैट्स ऑल। एंड ये मंगलसूत्र भी मेरे गले पे आप हमेशा देखते हो, तो मैंने बस और एक चेन ऐड कर लिया, दैट्स ऑल। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मुझे ये भी समझ भी नहीं आ रही कि मैं पहनूंगी क्या, तो जो अगर मैं रेडी होती हूँ, जो जो जैसे जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय नहीं बोलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय क्या बोलूँ, फिर बने रहते हैं, फिर फिलहाल मैं कुछ काम कर लूँ। बिकॉज ना बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब सब कुछ अकेले मैनेज करना, मम्मी के साथ मम्मी रहती हैं तो उतना इशू नहीं होता है, बट अब क्या किया जा सकता है, काम है तो करना तो पड़ेगा। तो ठीक है मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे, मीट माय सिस्टर। बोलो कैसा लग रहा है, मैं आई हूँ घर पे, कैसा लग रहा है बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो बोलो, मुंह देख के तो नहीं लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, बोलो बोलो कैसा लग रहा है बोलो। अच्छा लग रहा है। ये मीट माय मॉम, आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, कैसा लग रहा है मम्मी मैं घर पे आई हूँ बोलो। किसको नहीं अच्छा लगता है बेटी घर आती है तो, देखो फेस भी मिलता है हम लोग का ना। ठीक है, अभी खाना पे क्या बन रहा है आज? बीन्स गाजर काटा जा रहा है, क्या पक रहा है आज? पनीर का सब्जी और रोटी। हाँ पूड़ी, क्योंकि होली है तो फिर बहुत सारा पूड़ी वगैरह खाना। और ये क्या बना रही हो तुम? ये क्या है? ये जिया जी के लिए। क्या जिया जी के लिए क्या बन रहा है? चाल भाजा। चाल भाजा, हाँ इंसान को चाल भाजा मुड़ी भाजा यही सब अच्छा लगता है। ठीक है, खा चुके हैं मिठाई, खा चुके हैं हम भी, खाए मिठाई। मैं साड़ी कैसा लग रहा है बोलो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओके बटरफ्लाई। ठीक है अब चल, बहुत हो गया, आगे खाना बना। हाय रे, इंसल्ट मत करो, हम आए मेहमान है अभी, खाना बना के खिलाओ। थक गए, चलो अब खाना बनाओ, इसीलिए मत आओ घर, ससुराल में काम करो तो दुख भी होता है, तो चलो ससुराल है, मम्मी आए नहीं बोल रही है खाना पकाओ यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल रात मैं अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी,
बिकॉज आपको पता ही है घर आई थी तो थोड़ा ये बात वो बात, एंड इस वजह से रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था। एंड अभी बज रहा है 11:30 एंड मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, रेडी होके आई हूँ। सो आज मैं ऑफिस मैंने अपना ऑफ रखा है क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, कल मैं होली बिता के फिर चली जाऊँगी शाम तक। सो आज मैंने छुट्टी लिया है कि मैं घर पे रहूँगी, तो मैं आज काम पे नहीं जाऊँगी। तो अभी रात 11:30 अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तो देखती हूँ नाश्ते पे आज क्या क्या है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मेरा नाश्ता थोड़ा अजीब लगेगा, बस रोटी है, ये पकौड़ी है लौकी का, एंड ये बीन्स गाजर इसका, एक मिनट रुकिए, ये बीन्स गाजर और आलू का भुजिया है एंड चनाचूर। मुझे ना चनाचूर रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। एंड ये ब्लैक टी, क्योंकि चाय रोटी और चनाचूर मुझे मस्त लगता है खाने में, तो आज मैं ये खाऊंगी। एंड देखिए अभी बज रहा है 11:30, तो बस पहले मैं ये खा लूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मम्मी भी आ रही हैं। सो देखते देखते इवनिंग हो गया है, 5:00 एंड जिसके लिए मैं बेसिकली यहाँ आई थी वो काम स्टार्ट हो गया है। हमारे यहाँ उपटन बन चुका है और मुझे मम्मी ने उपटन लगा भी दिया है। सो अभी देखते हैं बहन को उपटन लगाए, उपटन का क्या किस तरह से है ये सब मम्मी से बात करते हैं। चलिए सो यहाँ उपटन लग रहा है मेरी बहन को। मम्मी उपटन क्यों लगाया जाता है, किस चीज़ का उपटन है थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। क्या है, सरसों है और हल्दी है, इसको भून करके, सरसों को भून करके पीसा जाता है। हाँ पीस करके, हाँ वही हम लोग का सरसों को लगाया जाता है। हाँ जो मैल निकलेगा ये, हाँ ये मैल निकलता है। हाँ इस मैल को संबत में डाला जाता है, जहाँ होलिका दहन होता है उसी में, हाँ इसको डाला जाता है। एंड ऐसा क्यों है कि पहला बार जो शादी हुआ है पहला ससुराल का आप सम्मत नहीं देख सकते, ऐसा नियम है कुछ? हाँ, ये नियम है, पहला सम्मत नहीं देखने को, नहीं लड़की को बहू को बहू नहीं देखती है अपने ससुराल में, इसलिए मायके चली जाती है। हम तुम्हारा बर्थडे चला गया ना, नेक्स्ट बार तुमको बर्थडे पे साबुन और सब बॉडी वॉश गिफ्ट करेंगे। उसके सिर्फ एक पाँव से इतना मैल निकला है, देखिए दोस्तों देखिए, सिर्फ एक पाँव से इतना मैल निकला है। छी, ये सारा सबका है। बोली बोली मम्मी, बोली बेटी के लिए बोली। कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है, ओ ठीक है। चलिए आप लोग भी अपने अपने मम्मी को, और मैंने भी मम्मी को लगाया, बताओ मम्मी के हम भी लगाए हैं। कि तुमने मेरे को लगाया बोलना जरूरी नहीं था। और ये जल गया हमारा सम्मत, सम्मत या होलिका दहन जो भी बोलते हैं, ये सब कुछ जल गया। हमारे एरिया में ये वाला इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड ऑर्गेनाइज करके इसे हम लोगों ने सब ने मिल के इसे जलाया। और ये वाला जो क्लिप है ये मैंने स्लो मोशन में लिया था। सो हम लोग बोलते हैं बेसिकली चलती भाषा में, बिहारी में हम लोग बोलते हैं कि सम्मत गुस्साई जल गई लन, और क्या लड़कन के माई के पुआ पकाए के कह गई लन। तो हैप्पी होली, अब होली यहीं से शुरू हो गया। तो बस यही, अब हम लोग होली मनाएंगे, कल मालपुआ खाएंगे, दैट्स ऑल। तो देखिए बहुत बहुत सुंदर लगता है ना देखते वक्त। और यहाँ ना हम लोग वो चना होता है ना, वो चना को भून के, और उस चना को भी हम लोग खाते हैं। सबने अपने फटे पुराने कपड़े निकाल लिए हैं ना, अभी भी नहीं निकाले, अभी निकाल लो यार, होली है। देखो मैंने भी फटा पुराना पहन लिया है होली खेलने के लिए। क्या नया पहन के, वाइट वाइट पहन के, टीवी शो चल रहा है, वाइट पहन के होली खेलने निकलना है। किसी की मम्मी नहीं मानने वाली है, सबको फटा पुराना ही पहनाने वाली है, तो पहन लो। इसी नोट पे ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। सो अभी भी होली का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, मैंने फेस पे अच्छा से एकदम क्रीम व्रीम लगा लिया है, बिकॉज अभी भी होली खेलना स्टार्ट ही हुआ, लेकिन इस बार मेरा मन है कि मैं होली खेलूँ। पूजा हो रहा है एंड इसी के साथ साथ होली है, और मालपुआ ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुआ मालपुआ का सारा प्रिपरेशन हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रख लिया है। ये है आपका जो हम लोग उसको गड़ी बोलते हैं, लाइक सूखा नारियल, नारियल का बूरा ये है। एंड मोस्ट स्पेशल जो इसका बैटर है, वो बैटर भी रेडी हो चुका है। ये मैंने इलायची अभी जस्ट डस्ट करके डाला है। इसमें चीनी है, सूजी है एंड मैदा है। वैसे आटा का भी बनता है, लेकिन हम लोगों को ना तीनों भाई बहन को मैदा का ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैदा का बन रहा है। एंड बस पहले भगवान जी को भोग लगेगा।
सो अभी ये मैं अच्छी तरह से मिला दूँ, ये बैटर हो गया 15-20 मिनट बना के रखा गया था। तो बस एक प्रपोर्शन में मैं अंदाजे से नहीं बता पाऊँगी, एक कप दाल, एक कप ये, एक कप है, तो बस अंदाजे से मैदा है, अंदाजे से चीनी है और अंदाजे से उसमें सूजी है। सूजी प्रपोर्शनली बहुत कम है। एंड ये रहा तेल, बैठ चुका है कढ़ाई पे, गैस जल चुका है, बस अब बस तलने का टाइम है। तो चलिए बनाऊंगी, दिखाऊंगी, खाऊंगी और होली भी मनाऊंगी आप लोगों के साथ। एंड होली अभी नहीं मनेगा क्योंकि फर्स्ट रंग मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वो लगाएंगे, तो इसीलिए अभी होली नहीं मनेगा। इसमें नहा लिया है बस टेम्परेरी, बस इसी तरह अच्छी तरह से होली खेलने के बाद नहाऊंगी। देख के लग ही रहा होगा कि सो के उठ के आ गई हूँ, बट ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग भी होली को इन्जॉय कीजिए जैसे जैसे होता है। आई विल गेट बैक टू यू। How can I feel the joy of being with you? ये वाला ना पढ़ी तभी। How can I chase the pain away for good? This is calling me. Holy smokes, you. Upar utho le rakhi. Brings up me a shelter with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. Mummy, pehla iske liye ban rahe hain. Gopu ke liye. Gopu matlab batao subscribers to Gopu ka matlab. चलिए होली के दिन मैं अपने चुन्नू मुन्नू से मिलाती हूँ। टुनटुनो, ए टुनटुनो, ये टुनटुनी, ये है गुलगुली, ये है तीन मेरे रीना मीना डीका, रीना मीना और डीका, रीना मीना डीका, से हेलो, से हेलो, टुनटुनो, टुनटुनो, दीज आर माई पेट्स। होली स्पेशल, होली स्पेशल। भगवान जी का जो भोग है देखते देखते रेडी हो गया हम लोग का। होली फेस्टिवल बिगिन, कैसा लग रहा है होली खेल के? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी होली, से हैप्पी होली। आनंद आनंद रंग रंग आजा के बारी बारी फोटो खींच। होली स्पेशल फूड जो मालपुआ था वो हम लोग नहीं खा रहे हैं, सुबह खा चुके हैं। ये बना है पूड़ी, ये है आलू कटहल का सब्जी, दिस इज कटहल, आलू कटहल का सब्जी। और ये है मीठा दाल, मुझे ये दाल बहुत पसंद है, ये मीठा चना का दाल। और ये पूड़ी मस्त लगता है खाने में। और मेरी दीदी ने बिरयानी बनाया है, आलू बिरयानी, ये भी हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लें। मेरी मम्मी खाना खाने बैठ रही है। मम्मी बताओ तो सब्जी कैसा लग रहा है? सच में बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ हमको भी इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहन अभी तो आई नहीं है, ये अभी यहाँ सबको पानी दे रही है। से हेलो, रंग हम लोग के फेस पे दिख रहा है, बहन के फेस पे रंग देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए कलर, कलर एंड कलर, मेरे हाथ पे कलर देखिए, मैंने भी होली खेला है इसका प्रमाण, हाथ पे कलर। गुड इवनिंग गाइस, एंड अभी हो गया होली का शाम और मैं रेडी हो गई हूँ विद माय दिस न्यू साड़ी। एंड माय सिस्टर आल्सो गॉट रेडी, वो भी अभी रेडी हो रही है। से हेलो टू एवरीवन। सो अभी हम लोग सबको अबीर लगाएंगे एंड अबीर लगा के हम लोग का जो होली है वो ख़त्म होगा। एंड एट द सेम टाइम मैं आज फिर रिटर्न कर जाऊँगी अपने घर पे, मतलब लाइक मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। सो चलिए मिलवा देती हूँ भगवान जी लोगों से, सब भगवान जी लोगों से आशीर्वाद ले लीजिए। ये रहे हमारे भगवान जी, मैं इन लोगों को अबीर लगाऊंगी एंड फिर सबको मैं अबीर लगाऊंगी। हैप्पी होली भगवान जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली। How can I feel the joy of being with you? How
Can I chase the pain away for good? Happy Holi everyone. Happy Holi. आप सबको गुलाल लगाती हूँ. Happy Holi. Bring some mistletoe with me. Happy Holi. Christmas is waiting for you. It never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. No, won't kill aga. I see everywhere around the fairies of December. Mummy, happy Holi. Fairies of December. No. Can you feel the joy? Mummy, happy Holi. नहीं अच्छा से लगाओ तो नहीं अच्छा से लगाओ लगाते हुए तो लवी डबी फोटो खींच लिया. ये मेरी बहन, उसके जीजा जी और मैं उसकी दीदी. तो इस तरह बहुत सारा हम लोगों ने छोटा छोटा पिक्चर्स क्लिक किया. तो छोटे ना पिक्चर छोटा बड़ा क्या होता है, पिक्चर्स क्लिक. एंड दिस इज़ द वे वी सेलिब्रेटेड आवर होली एंड दिस इज द पागलपंथी विच वी डिड ऑन द होली डे. मैं, मेरी दोनों बहनें और एक्चुअली दीदी बहन और ये मेरा भाई है, मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन ऑन द अर्थ फॉर मी एंड दिस पोज. बस इसी तरह से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया एंड बहुत 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 इंजॉय किया.